चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं कोटा से, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। माता के भाई हालोती है, कोटा झालावाड़ भीलवाड़ा लोकसभा कलस्टर की मीटिंग में हम आप सभी के सम्माननीय लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कोटा से सांसद और प्रत्याशी सम्मानी ओम बिड़ला जी, हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाई, ऐसे माननीय सीपी जोशी कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी मेहरवा साहब, कैबिनेट के मेरे साथी भाई मदन दिलावर जी, भाई हीराराम नागर जी, इस कलस्टर के प्रभारी सम्माननीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंजारिया जी, झालावाड़ के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय सुशांत सिंह जी, भीलवाड़ा के सांसद सम्माननीय सुभाष पैडिया जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदि जी, मोतीलाल जी मीणा साहब, हमारे प्रदेश मंत्री श्रीमती अनुसुईया गोस्वामी जी, हमारे विधायक संदीप शर्मा जी, कल्पना राजे जी, गोविंद जी रानीपुरिया साहब, कालूराम जी मेघवाल, राधेश्याम जी मेहरवा साहब, ललित मीणा जी, कमललाल मीणा जी, गोपाल खंडेलवाल जी, गोपीचंद जी मीणा साहब जाजपुर, लालाराम जी मेहरवा शाहपुर शाहपुरा, जावर सिंह जी सांगला, विधायक आसीन उदयलाल जी बड़ाना, विधायक मंडल राकेश जी जैन जिलाध्यक्ष कोटा, प्रेम जी गोचर कोटा देहात, सुरेश जी अग्रवाल जिलाध्यक्ष बूंदी, संजय जैन जी जिलाध्यक्ष झालावाड़, नंदलाल जी सुमन जिलाध्यक्ष बारा, प्रशांत जी मेवाड़ा जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा, शंकर लाल जी खाड़ा साहब संगठन प्रभारी कोटा से, इंद्र सिंह जी डाला संगठन प्रभारी कोटा दया, भारत जी जैन संगठन प्रभारी बारा, जुगल जी शर्मा संगठन प्रभारी बूंदी, छगन जी महावर संगठन प्रभारी एवं लोकसभा संयोजक झालावाड़, श्रीमती सुनीता व्यास जी लोकसभा संयोजक कोटा, शक्ति सिंह जी कालियावास लोकसभा संयोजक भीलवाड़ा, और इस मेरे सामने की पंक्ति में बैठे आनंद जी और अनिल जी से लेकर के गोचर जी से लेकर के सभी का मैं नाम ले सकता हूँ, बाबूलाल जी और भवानी सिंह जी तक, माननीय कालूराम जी गुर्जर साहब वहां तक बैठे, ऐसे हमारे सभी विधायक पूर्व विधायक और सभी मेरे वो कार्यकर्ता बंधुओं, गांव टाणी बूथ बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल से लेकर के जिले से लेकर के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी इस कलस्टर बैठक में आए हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुओं भाई और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों ये हाड़ौती की धरा है और ये हाड़ौती की धरा अगर सही माने में हम कहें तो जनसंख्या हाड़ौती से प्रारंभ हुआ। अगर शुरू से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम किया तो इस हाड़ौती ने किया, और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि इस हाड़ौती ने लगातार हमको विजय ही विजय देने का काम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। इधर हाड़ौती ने
रात मेहनत करते हुए पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। साल के 365 दिन काम करते हैं, महीने के 30 दिन काम करते हैं, दिन के 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता अगर भाई साहब कह रहे थे कि लोकतंत्र को बढ़ाने का काम, अरे हम लोकतंत्र में भी विश्वास करते हैं और हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हमारे भी कार्यकर्ता उस लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हुए आंतरिक लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा सुना होता है कांग्रेस के बारे में प्रारंभ हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर इस कांग्रेस ने देश के अंदर दिया तो भ्रष्टाचार दिया, इस कांग्रेस ने दिया तो तुष्टिकरण के आधार पर चलने के लिए काम किया, अगर इस कांग्रेस ने दिया तो आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। तो झूठे वायदे करते हैं, इन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया था, इंदिरा जी ने भी गरीबी हटाने का नारा दिया था और राहुल जी भी गरीबी हटाने का नारा देते हैं। आप देखिए कितने लोग इनके गरीबी हटाने का इन्होंने नारा दिया है और आज भी गरीबी की बात ही करते हैं, ये गरीब की समस्या को नहीं समझ सकते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर गरीबी हटाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 2014 के बाद आपको परिवर्तन दिख गया होगा। एक एक गांव, एक एक ग्रामीण, एक एक हमारी महिला, उनको पता था कि हमारी महिलाओं के कौन कौन से कष्ट हैं, उन सभी कष्टों को हरने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कैसा तंत्र था, मैं आपको कहीं बस स्टैंड पर, कहीं भीड़भाड़ इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे, यहां तक कि शरीर की कमर काट करके ले जाते थे। किस तरह की स्थिति बनी हुई थी आपको ध्यान होगा मित्रों, एक घटना आपने देखी होगी, अगर उन्होंने एक पुलवामा की घटना आपने देख लिया, सेना से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर उधर से एक गोली आती है तो इधर से एक बड़ा गोला जाएगा, ईंट का दबाव पत्थर से मिलेगा और उन्होंने देने का काम किया। मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं हम आए दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम की सुनते हैं, जनता के काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर इनकी नीति और नियत साफ होती तो कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी, राज्य में भी सरकार थी, इनकी नीति और नियत ठीक नहीं थी तो जनता कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वो
पर विश्वास करती है। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यही समय है, शक्ति की भूमि, भक्ति की भूमि पर यह
ठीक नहीं है, हम इसमें आसान से नहीं फैलाने देंगे, किसी की कीमत पर नहीं फैलाने देंगे। परीक्षा आते आते मेहनत करता है, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग हैं,
इनमें से भी आप नजर घुमा के देख लीजिए जो मंच पर बैठे हैं, आपकी तरह ये भी वही बैठे हैं, आपकी तरह इन्होंने भी वही काम किया है, आपकी तरह उन्होंने भी वही काम किया है। इसलिए मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, आइए काम को तर्कपूर्ण निष्ठा के साथ निभा करके हमारी पार्टी को आगे बढ़ा करके, क्योंकि भाजपा का जो काम होता है, हम कहते हैं भाजपा का जो काम है वो राष्ट्र का काम है, क्योंकि हम राष्ट्र को पहले मानते हैं और उस काम को राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए उस काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्प है, उस संकल्प के साथ हमको चलना है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक जोरदार खिले हुए बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते हुए 25 कमल जाकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां भाजपा का मिशन 25 के तहत पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्लस्टर मीटिंग यहां पर ली, उन्होंने संबोधित किया।